नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। यूपी इलेक्शन को लेकर आज समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज विधानसभा से घोषित प्रत्याशी अमरेश सिंह पुष्कर ने नामांकन पत्र भरा। सर, नामांकन पत्र भर दिया है, कहीं ना कहीं लड़ जो है वो शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ शुरू हो गया है और इसका आज चुकी आगाज हो गया है लिखित तौर पे। जी, 23 तारीख को वोटिंग है, 10 तारीख को परिणाम, 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने। विधानसभा के लोगों के लिए क्या बड़ा ऐलान है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं शुरुआत कर दिए फिर से दोबारा लड़ने की आपने। विधानसभा के लोगों को अब बहुत कुछ मिलने जा रहा है, जो इसके लिए 5 साल हमारे क्षेत्र की जनता परेशान थी, तरस रही है। जैसे कि हमारे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आवारा पशुओं से समाजवादी सरकार बनने के बाद निजात मिलने जा रही है। उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है, 1500 रुपए महिला समाजवादी पेंशन मिलने जा रही है, 5 साल तक मुफ्त राशन मिलने जा रहा है। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा मिलने जा रही है, डिग्री कॉलेज की स्थापना होने जा रही है, नहरों की सीट के लिए राजकीय ट्यूबवेल की स्थापना होने जा रही है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट भी आपका रहा है मोहनलालगंज विधानसभा में, तो उसके लिए क्या काम करने के लिए, क्योंकि विद्यालय खोलना आपके लिए बड़ा उद्देश्य रहा, सदन में कई बार आवाज उठाई है। देखिए, विद्या लोगों को विद्या विलंब देती है और विद्या जिसके पास है तो ज्ञानी हो जाता है। तो विद्या हमारे सरकार ने बार बार कहने के बावजूद हमारे विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं की, और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पे जल्दी अपने विधानसभा में, हमारा ड्रीम और बहुत सपना है कि अपनी विधानसभा में एक राजकीय डिग्री कॉलेज। थैंक यू। कहीं ना कहीं जो नीति और उद्देश्य है उसको लेकर मोहनलालगंज के पूर्व विधायक रहे अमरेश सिंह पुष्कर फिर से जनता के बीच जाएंगे। सरकार ने कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं मुफ्त राशन देने का बड़ा काम किया, लेकिन उसके बाद बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी की ओर से भी हुआ है कि 5 साल तक समाजवादी पार्टी मुफ्त राशन पूरी यूपी की जनता को देगी। तो आज जहां नामांकन पत्र मोहनलालगंज से पूर्व विधायक अमरेश सिंह पुष्कर जो कि सपा से घोषित प्रत्याशी है, उन्होंने आज फिर से नामांकन पत्र भरा है और कहीं ना कहीं जनता के बीच वो फिर से जाने वाले। अब देखने की बात है कि मोहनलालगंज विधानसभा की जनता का साथ आखिर किस तरह से मिलेगा। सहयोगी भरत के साथ ना दिखा।